सुरेंद्र सिन्हा के अंतिम दर्शनों के लिए वक् वक् शख्सियत इतने पहुँच जाने का सुरजीत पात्र जी इतने पहुंचे उन्होंने गलबात कर लेंगे। सुरजीत पात्र जी जो तो खबर मिली सुरेंद्र सिन्हा इस दुनिया के नहीं रहे की आया जहन? देखो कभी सोचा नहीं सी कि वो एडी जल्दी साथों बिछड़ जाएंगे। बेशक हम बीमार से ना सास की तबीयत, पर फिर भी साड़ी सब की अरदास और आस यही सी कि वो राजी खुशी नौबर नौ होकर फिर साढ़े विचार आएंगे। पर जिस तरह कुदरत में मंजूर होंगे इस चीज़ कोई आदमी का दखल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जान नाल एक जो संगीत का संसार है वो बहुत एक मातम छाया उदासी छाई। बहुत दुख होया कि कहो जहा गायक जो मैं समझा कि उस दो गल्लां बहुत बड़ियां सी कि एक तो वो इन्नी बुलंद आवाज़ इन्नी ऊर्जा वाली आवाज़, दूजे है कि सुर दे भी पक्के सी। आम तौर लोग सुर दे पक्के होंगे पर आवाज़ की इन्नी बुलंदी नहीं होंगी, कई जो आवाज़ ही बनती है तो सुर दे ढिले होंगे। तो चिंदा उन गायकों से जोड़े सुर और जी एक ऊर्जा उन्हें दोनों उन्होंने समेटिया होया कि वो जोड़े सुगम संगीत आने मार्च, क्योंकि उन्होंने जोड़ा खानदान से वो नानकिया दादकिया दोहों के संगीत की एक परंपरा से कह रही उन्होंने पिता जी। सो उन्होंने पिता की इच्छा से कि ये क्लासीकल गायक बन, सो उन्होंने क्लासीकल भी एक पिछोकड़ सी। इसलिए शिंदे उन्होंने जो भी गाया वो उसने पंजाबी संसार में बेशक वो बहुत हल्का फुल्का गीत हो बेशक, पर भी असी पछाण लेने कि इस बंदे का जो जो बुनियाद है उस कित क्लासीकल गायकी छुपी हुई। और दूजा जिस तरह उनका जूना मौल तो एक क्लासिक चीज़ बन गई जी हमेशा सानू याद रहेगी। और दूजी जो मेरी बहुत निजी याद आ उन्होंने वो सी कि वो जो कचहरी फिल्म बनी बनी तो वह जो थीम सोंग सीगा कि इस बूहे उस बूहे पत्ते वांगू डोलना, नेर है साईं दा इत्थे चंद सूरज टोलना, कि जी पूरे कचहरी का माहौल अदालत का माहौल। तो उदो मेरी मुलाकात भी उन्होंने हुई तो मैं उन्होंने कहा कि आप इनू इस रंग से गाइए जिस तरह जमले रंग भी उस इस बूहे उस बूहे पत्ते वांगू डोलना। तो पर उन्होंने उतों भी अच्छे अपने अंदाज से गाया और जिहड़ा कि अंदाज समझो कि दिलों में मोहन वाला सी। सो मैं बेशक वो साढ़े कोलों बिछड़ गए पर मैं समझदा कि अपनी आवाज़ अपनी अपनी शख्सियत के प्रभाव सदका हमेशा साढ़े पर जिंदा रहने की। शुक्र है कि साढ़े कोलों तकनीक है कि असी बिछड़े गायकों को भी सुन सकते हैं। सो वो हमेशा साड़िया यादा में रहेंगे, गायकी के इतिहास रहेंगे, पंजाबी सभ्याचार के इतिहास में उन्हों का रोशन मैं नाम रहेगा। और मैं उन्होंने परिवार लिए उन्होंने अंश वंश लिए बहुत दुआवां करदा कि उन्हों की लेगेसी अगे चलती रहे, उन्हों की अंश वंश उन्हों की महक उन्हों की शान कायम रहे। लगता है कि पंजाबी पंजाबीयत में पंजाबी सभ्याचार में भी लोगों के नाल जोड़ के रखने भी अहम भूमिका निभाई सी सुरेंद्र सिन्हा ने? बिल्कुल, वो तो मैं समझ जो कोई भी रचनाकार है ना जो जड़ा रसीले गीत गाँव वो बेशक प्रचार ना ही करे कि तुसी जुड़े रहो, वो प्रचार करन तो बिना ही एक प्रचार कर रहा होंगे कि वो आवाज़ ही जिदा हम आप कहने भी जो कोई गायक गाँव तो दोनों पंजाब गिने जाते हैं कि बेशक असी बिछड़ गए हैं, लीक पै गई विचकार एक पोलिटिकल लीक पै गई पर जी कल्चरल लीक नहीं पई। सो इसलिए है कि जड़ा जड़ा भी अच्छा गायक आ अच्छा कवि आ अच्छा संगीतकार है वह जरूरी मैं समझना कि स्रोतियां अपने नाल जोड़दा और स्रोते बिना कहण तो बिना प्रेरणा तो बिना किसी किस्म के पैगाम तो कल्चर नाल जुड़ते। इस पक्षों वो साढ़े बहुत सभ्याचारक कर्मी भी सके जिन्होंने पंजाबी नाल पंजाबीयत नाल संगीत नाल पंजाबी स्रोतियां नूं जोड़। बिल्कुल ज़्यादा जिहड़ियां ने ताज़ा कीतियां जा रही ने तो नाल नाल भी कहा जा रहा कि बेशक जिसमें तौर पर साढ़े विच नहीं रहे पर अपने गीतों के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरा परसन रोहित हिम्मत सिंह की गोपाल दैनिक सवेरा लुधियाना।